आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदीनगर डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल की कपड़ा मिल इसी शाखा में स्पा की ओर स्पार्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों को कोरोना और तनावपूर्ण प्रभाव से मुक्त कराने हेतु आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत कला, फैंसी ड्रेस एवं एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रणजी ट्रॉफी विजेता एवं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान गुरचंद सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर के एन मोदी फाउंडेशन के मनोज अग्रवाल, मनीषा त्यागी, डॉक्टर दीपांकर शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। गाजियाबाद तहसील परिसर में नायब तहसीलदार के दफ्तर में भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण साफ नहीं है, लेकिन घटना में ऑफिस परिसर में रखे हुए कई दस्तावेज जल जाने की खबर है। पूरे मामले की जांच की बात भी कही गई है। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक एलपीजी पंचायत आज बेगमाबाद बुदाना गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित की गई। पंचायत में इस दौरान करीब 100 महिलाएं एवं पुरुष भी उपस्थित थे। पंचायत में तनिष्का भारत गैस के स्वामी मुकेश गोयल ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गैस के इस्तेमाल व किसी अप्रिय परिस्थिति से बचने के उपाय पर चर्चा की। इस दौरान गांव प्रधान हरपाल सिंह, लोकेश चौधरी व तनिष्का भारत गैस का स्टाफ मैनेजर कुलदीप कुमार, विनोद, सचिन, राजेंद्र, सतवीर आदि लोग उपस्थित रहे। इससे भी किसी कारण से भी रात को वासना ना हो, सुबह जब उठें पानी के लिए, दूध के लिए, चाय के लिए, तब इसे खोलने आप इस्तेमाल करें। दिन में फिर भी हम लोग जगे रहते हैं, थोड़ी सी हमें नौकरी होती है, गैस की खैर आ जाती है, लेकिन रात को हादसा हो जाता है, फिर भी समस्या हो जाती है और हादसा गैगे भी होता है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। अब किसी कारण से घर में गैस लीकेज हो गई, वहाँ जाने को समस्या हो गई, तो हमें क्या क्या चीज़ें उस केस में करनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो अगर कोई पंखा या बिजली का स्विच चल रहा है उसको ना बंद करें ना खोलें। ये जो स्विच होते हैं बिजली के, इनके होना पड़ने से पानी होती है जो आपको दिखती नहीं है आंखों से, और गैस जैसे इसको ऑन या ऑफ करेंगे, जब बंद करेंगे जलाएंगे गैस इसको पकड़ लेगी और हादसा हो सकता है। राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्यों के नाम है, मेरे दस्तक बंद की जो भी है, उनमें से एक के पास भी किसी कारण से भी गैस कनेक्शन किसी भी एजेंसी से नहीं होना चाहिए। अगर एक के पास भी गैस कनेक्शन एजेंसी के द्वारा दिया गया है तो फिर आपके पास नहीं है, आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। आप जो है झूठ बोल दूँ छुपा लूँ उससे कुछ नहीं बने वाला। सभी के आधार कार्ड, राशन कार्ड में जो नाम है वो लिए जाएंगे, उन्हें सिस्टम में भरा जाएगा। एक के नाम पर भी अगर कनेक्शन चल रहा होगा, आप कितनी भी प्रयास करें कि भाई रास्ते बताएं, जिसमें बोले कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके सही में पात्र हैं। करीब 11 करोड़ कनेक्शन सरकार 10% बांट चुकी है अब तक ऐसे ही लोगों को जिनके पास सिलेंडर नहीं थे। अगर मान लीजिए आपकी शादी होती है और उसके पास अलग राशन कार्ड है, वो उस राशन कार्ड में वो उसकी पत्नी और बच्चे हैं, तो वो उस केस में उसके लिए पात्र है, वो कनेक्शन ले सकता है। लेकिन उस राशन कार्ड में जितने भी लोग हैं किसी के पास भी किसी सूरत में कनेक्शन गैस का नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है आज के लिए बस खबरों में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।